So today's lecture is all about polymorphism, and we will be looking at RFLP. Also, we will be looking for SNP, okay, SNP, RFLP, and microarray technology. Okay, so in previous lecture we have covered sampling methods, right? है ना, हम लोगों ने सैम्पलिंग मेथड देखे थे, प्री नेटल स्क्रीनिंग एंड पोस्ट नेटल स्क्रीनिंग देखा था, राइट? तो प्री नेटल स्क्रीनिंग में डिलीवरी से प्री डिलीवरी, बेसिकली प्री डिलीवरी में डिलीवरी से पहले व्हेन एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट सैंपल्स वो देखा था, राइट? ठीक है, एंड केमिकल मेथड्स भी देखे थे. वो पोस्ट नेटल में देखा था केमिकल मेथड्स एज एन नॉन इन्वेसिव टू इन्फेंट, तो वो भी मेथड्स देखे थे, राइट? नाउ वी विल बी लुकिंग, अगर आफ्टर डीएनए एक्सट्रैक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट अ डिजीज्ड एलील और अ म्यूटेंट एलील, राइट? सो before starting with that, what is polymorphism, because we will be covering polymorphism in this. So can you define what is polymorphism? Samne likha hua bhi hai. Polymorphism kya? Yes students, theek hai. So polymorphism mein kya ho raha hai, aapko multiple forms of DNA mil rahe, and jab hum log usko वेरिंग लेंथ ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर्स, ठीक है? तो इसमें बेसिकली लेंथ ऑफ डीएनए की बात हो रही है, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, अब कैसे क्रिएट होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वी विल बी लुकिंग एट दैट. सो ओनली 21 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, आई डोंट नो अबाउट टू ऑफ देम. इधर है भाई. ओके, सो वी नो जीन्स में एलील्स हो सकते हैं, राइट? हैव डिफरेंट एलील्स, एलील्स मतलब वेरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट? दैट वेरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए कैन बी गुड कैन गिव एडवांटेज टू द पर्सन, और इट मे ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज, राइट? ठीक है, सो इट कैन बी एलिमिनेटेड. सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इधर एलील्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वी आर मोर इन टू अ म्यूटेंट स्ट्रेन एलील्स, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी वाइल्ड टाइप, ओके, नॉर्मली आपके सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस में बी अ म्यूटेंट एलील, राइट? तो इन दोनों में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है. सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, कैसे कर सकते हैं? ओके, सो वन इज SNP, ओके, another इज RFLP, वी विल बी कवरिंग दिस, ओके, एंड अ थर्ड वन वुड बी माइक्रो एरे, ओके. माइक्रो एरे में एक माइक्रो एरे से एक और है, ASO भी है, ठीक है? सो वी विल बी कवरिंग दिस. आई होप आई मे कवर ऑल ऑफ दिस, बट थोड़ा सा बड़ा. सो फर्स्ट वी कम टू SNP, ओके. आई होप एक मिनट मैं देख लेता हूँ. सो आपको आई डोंट थिंक सो आई वॉन्ट आई विल बी गोइंग टू बेसिक्स. लोकस क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इंडेल्स क्या होता है, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, राइट? इंडेल्स मतलब क्या, इंसर्शन एंड डिलीशन, राइट? ओके, राइट. सो हम लोग फर्स्ट वी विल बी कवरिंग स्निप्स और SNPs, ठीक है? तो SNP का फुल फॉर्म क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से डीएनए का पॉली मतलब न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म दिखाता है, ठीक है? तो कैसे दिखाता है, सो इतना पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली आएंगे इधर डायग्राम में, ओके. सो देखो इससे पहले भी इधर आ जाता है, ठीक है? तो देखो, तो हाउ कैन वी डिटेक्ट चेंजेस इन डीएनए स्निप्स में, स्पेसिफिकली अगर स्निप्स की बात कर रहा हूँ, SNPs, ठीक है, स्निप्स. तो स्निप्स में जो मेजर चेंजेस होते हैं,
वो इधर होते हैं, बट वी विल बी लुकिंग इन टू इट ऑल्सो. तो स्निप्स क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल जी ए जी था, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू जी जी टी जी. ठीक है, सिंपल. तो बेसिकली जब एम आर एन ए जनरेट होगा तो ये ऐसा जनरेट होगा. ठीक है, और इसका एम आर एन ए जी यू जी जनरेट होगा बेसिकली. तो क्या होगा आपका बेसिकली इसके इसमें अलग अमाइनो एसिड आएगा, इसमें अलग अमाइनो एसिड आएगा, एंड चेंज के इधर आ रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है. ठीक है, तो इस तो वी हैव हर्ड अबाउट ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, तो वो इधर आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग जब स्निप्स की बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग म्यूटेशन देख रहे हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इंटू टू. आप बोलोगे क्लासिफिकेशन, तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं. सॉरी, जो स्निप है वो किधर प्रेजेंट है, सो उसका हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, किधर फिजिकली किधर प्रेजेंट है. ठीक है, फिजिकली किधर प्रेजेंट है, क्या वो स्निप आपका रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर है, इज इट विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट और इज इट आउटसाइड द रेस्ट्रिक्शन साइट. ठीक है, विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट, ओके, विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट और आउटसाइड द रेस्ट्रिक्शन साइट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग स्निप की. ओके, स्निप क्या बताया मैंने, चेंजेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज के वजह से क्या हो रहा है, आपका काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं. अब देखो क्या होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल अगर इधर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, जैसे इधर जैसे जी ए जी था, ठीक है, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू जी यू जी, सिंपल. ठीक है, एग्जांपल इधर ही है. ओके, सो ये क्या हो रहा है, इट इज़ विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइड. तो इसको डिटेक्शन इज बिट सिंपल. कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन साइट में, अगर रेस्ट्रिक्शन साइट में एक भी न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाता है तो रेस्ट्रिक्शन साइट इज लॉस्ट. ध्यान से सुन लो, तो अगर स्निप इज विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट, विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जी ए टी सी, ठीक है, और उसके ऑब्वियसली जी ए टी सी. ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल इधर म्यूटेशन आ गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आ गया, राइट. तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अच्छा मुझे बताना कौन सा म्यूटेशन है, ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्शन है, थोड़ा सा बता देना मुझे. ठीक है, ओके, यस, बता सकते हो ट्रांजिशन म्यूटेशन है ट्रांसवर्शन म्यूटेशन. यस, कौन सा टाइप का म्यूटेशन है स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन है ट्रांसवर्शन है. हाँ, क्या आवाज आया मेरे को कुछ, यार रुतुजा बोल रही. ट्रांसवर्शन ओके, करेक्ट. ओके, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, बाकी लोग लगता सो रहे हैं या नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं तो ध्यान नहीं उनका. ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये प्यूरिन है, प्यूरिन इज रिप्लेस बाय पिरिमिडिन. ठीक है, सो रितिका इज ट्राइंग टू जॉइन लेक्चर. उसको एक्सेप्ट किया तो था, उसको बोले वापस लॉग ऑफ करे, वापस लॉग इन करे. ओके सर. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आपका जो किसमें चेंजेस आ रहा है, अभी दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट, राइट.
Okay. Now I'm sorry. Sorry, there was some kind of Wi-Fi failure. Okay. So I hope you can hear me. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Everyone has joined. Okay. So where was I? Okay. So हम लोग बात कर रहे हैं SNP के बारे में, right? SNP. तो SNP में क्या हो रहा है आपका? Single nucleotide polymorphism, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने बताया एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा है आपका? एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट में चेंजेस आ रहे हैं. ओके. एंड अभी बोलो, ये दिस इज दिस रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर दिस हिंडी थ्री? नो. ओके. सो क्या हो रहा है इधर? रेस्ट्रिक्शन साइट इज लॉस्ट. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ठीक है. सो अगर मैं इधर एंजाइम यूटिलाइज करता हूँ तो ये कट हो जाएगा, बट ये कट नहीं होगा. जस्ट अ सेकेंड, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? ओके. हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? ओके. ठीक है. सो सो द रेस्ट्रिक्शन साइट इज लॉस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका ही ले लेते हैं. अगर नहीं, इसको मैं रुक कर देता हूँ, बेटर रहेगा. सो फॉर एग्जाम्पल दिस रेस्ट्रिक्शन साइट इज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है? And this is for mutant patient carrying mutant allele, ठीक है? तो इधर क्या हुआ? Restriction site क्या हुआ? इधर normal restriction site है and इधर क्या हुआ? Restriction site is loss. Okay? Restriction site क्या हो गया? Loss हो गया. Simple एकदम. ठीक है? Okay? समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बता देना. Yes? समझ रहे हैं ऊपर से जा रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल, अगर नॉर्मल बंदा है तो उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है? और अगर हम लोग जो डिजीज पर्सन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दिस इसमें क्या होगा? म्यूटेशंस रहेंगे, ठीक है? तो इधर ट्रांजिशन म्यूटेशन है. ओके. एंड ऑब्वियसली द पर्सन विल बी सफरिंग. तो ये म्यूटेंट स्ट्रेन तो रिकग्नाइज कैसे कर सकेंगे? So we can recognize using power of restriction enzymes, ठीक है? Okay. So इसमें देखो इधर क्या हो रहा है, obviously restriction fragment length polymorphism आ रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, आप इधर ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला allele है, इट इज़ फॉर नॉर्मल पर्सन, ठीक है? दिस allele, ये वाला allele है, ठीक है? इसमें आपको देखो थ्री वर्किंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स है. आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने रेस्ट्रिक्शन साइट से ऑब्वियसली इंजाइम से बैम एच वन इधर, ठीक है, आपने बैम पूरे का पूरा डीएनए को बैम एच वन से ट्रीट कर लिया. ओके. सो आपको कौन से फ्रैगमेंट्स मिलेंगे? इधर 2 kilobase pair का फ्रैगमेंट मिलेगा और इधर 5 kilobase pair फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है? और ये एस एन पी अलील 1 है, तो इट इज फॉर वाइल्ड टाइप ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है? अभी दूसरे इंडिविजुअल में आपने देखते हो पेशेंट्स में कि जो ये वाला अलील है, ठीक है, इधर अलील 2 है, इसमें टी से ये सी में कन्वर्ट हो गया, टी ए टू सी जी. कौन सा म्यूटेशन हो गया? ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया, ठीक है? ओके. सो आपका इधर एक कट मारेगा, ठीक है, इधर भी एक कट मारेगा और इधर एक कट मारेगा नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए. बट अगर आप एबनॉर्मल इंडिविजुअल देखते हो या डिजीज पर्सन देखते हो तो उधर एक कट आएगा और इधर एक कट आएगा, तो मतलब क्या होगा, इधर बीच में कोई कट नहीं आ रहा. तो 5 + 2 कितना? 7 kilobase pair का फ्रैगमेंट है, मतलब 7000 base pair का, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इधर इधर कट नहीं जनरेट होगा. तो जब आप प्रोब यूटिलाइज करोगे तो प्रोब किसके लिए? ये 2 kilobase pair के लिए प्रोब, 5 kilobase pair के लिए प्रोब एंड एक पूरा का पूरा 7 kilobase pair के लिए प्रोब, ठीक है?
ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा जैसे इधर इधर वन है, तो आपको टू 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 एंड फाइव दो बैंड्स मिलेंगे, ओके। इधर आपको एक बैंड मिलेगा और एक इधर एक तीन बैंड मिलेगा। तो ये एक बैंड तीन बैंड का क्या चक्कर है? तो हम लोग इधर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड में, ओके। तो हम लोग इधर बात कर रहे हैं होमोजाइगस डोमेन, जैसे होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है। होमोजाइगस जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज हेटरोजाइगस, ठीक है, ये कैरियर हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ऊपर का एग्जांपल ले लेते हो, GATC का एग्जांपल ले लेते हो, ठीक है। तो ये आपको आपका प्रेजेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो देर आर टू टू एलील्स, राइट। टू एलील्स मतलब बेसिकली टू सेट्स में रहता है जीनो, एक मदर से मिलता है एक फादर से मिलता है, राइट, है कि नहीं? तो अगर फादर में भी सेम रहेगा GATC, मतलब क्या है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, ओके। तो आपको जब ये कट होगा तो आपको सेम अमाउंट ऑफ फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये GATC को अगर मैं लेके चलूँ तो इसको मैं उड़ा देता हूँ, ओके। तो ये मदर का फ्रैगमेंट है और ये फादर का फ्रैगमेंट है, ठीक है, DNA फ्रैगमेंट है, ओके। इधर रेस्ट्रिक्शन साइट है, इधर रेस्ट्रिक्शन साइट है, इधर रेस्ट्रिक्शन साइट है, ओके। तो इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी। जैसे ये 5 किलो बेस पेयर का, ये 2 किलो बेस पेयर का। नाउ अभी रिसेसिव एलील में क्या होगा, इधर एक जो है रेस्ट्रिक्शन साइट इज लॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इधर आपको दो कट्स आएंगे इंस्टेड ऑफ वन कट। तो ये कितना है, सेवन सेवन किलो बेस पेयर का, ठीक है, ये भी 7 का रहेगा, ठीक है। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा, पता था ना मुझे? तो ये 2 एंड 5, ये 7 किलो बेस पेयर का। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मदर इज नॉर्मल, ठीक है, तो आपको 2 5 ये दो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, प्लस एक फ्रैगमेंट मिलेगा फादर इज एबनॉर्मल या डिजीज इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसमें दो ही एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा, विच इज ऑफ 7 किलो। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है, पता तो मुझे, अगर रिपीट चाहिए रहेगा तो मैं अभी रिपीट कर लूँगा। यस स्टूडेंट्स प्लीज डू रिप्लाई। ओके, प्रनिल ने बोला रिपीट, ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एक बार मैं वापस इधर जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग RFLP एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, जैसे अभी ध्यान से देखो, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल जीन कैसे होना चाहिए और एबनॉर्मल जीन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो इसमें ये BAMH1 इंजाइम का साइट है, मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट है फॉर BAMH1, ठीक है। तो इधर एक कट आ रहा है, ये भी BAMH1 का, इधर भी कट आ रहा है, और एक इधर भी है, तो इधर भी कट आ रहा है, ठीक है। तो कितने फ्रैगमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, एक 2 किलो बेस पेयर का फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है और एक 5 किलो बेस पेयर का फ्रैगमेंट जनरेट, ठीक है। ये नॉर्मल अलील में, नॉर्मल अलील, वाइल्ड टाइप अलील, ठीक है। म्यूटेंट अलील में क्या हुआ, खाली एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आया है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज की वजह से क्या हो गया, ये रेस्ट्रिक्शन साइट लॉस हो गया, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इधर, तो ये 2 किलो बेस पेयर एंड 5 किलो बेस पेयर अलग नहीं रहेगा, ये पूरा का, अभी इधर कट तो नहीं मारेगा ना कोई BAMH1, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा एक फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज फॉर म्यूटेंट एलील, समझाइए, वाइल्ड टाइप अलील है और ये म्यूटेंट अलील है, ये म्यूटेंट अलील है, ठीक है, ओके। अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये हो गया, तो अभी हम लोग देखते हैं
इंडिविजुअल में कितने अलील्स रहते हैं? तो दो सेट ऑफ अलील रहते हैं, मतलब क्या, एक मदर से आता है राइट, और एक फादर से आता है राइट। ऐसा तो नहीं है ना एक मदर से आता है फादर से आते ही नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता ठीक। सो आपके पास दो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब टू कॉपीज रहेंगे राइट। ओके सो टू सेट्स में क्या हो रहा है आपका, जैसे ये नॉर्मल इंडिविजुअल है ठीक है, तो इसमें 2 and 5 kilo बेस पेयर का दो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है, इधर भी ऐसा जनरेट हो रहा है ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग पूरे का पूरा डीएनए निकाल रहे तो देर आर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, ये याद रखो ठीक है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे। तो 2 और 5 इधर कट आ रहा है, 2 kilo बेस पेयर का फ्रैगमेंट और 5 kilo बेस पेयर। बट अगर आप डिजीज एलील वाला बंदा देखोगे तो उसमें मेल में भी क्योंकि इधर रेस्ट्रिक्शन साइट लॉस हो गया ठीक है, इधर क्या हो, रेस्ट्रिक्शन साइट लॉस हो गया ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैगमेंट, एक का पूरा फ्रैगमेंट जनरेट होगा विच इज ऑफ 7 kilo बेस पेयर ठीक है। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स में, मतलब रिसेसिव इंडिविजुअल्स में। बट अगर आप देखोगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स तो मतलब क्या होगा, एक एक के पास डिफेक्टिव एलील रहे ठीक है, और एक के पास नॉर्मल एलील रहे। तो इधर हम लोगों ने देखा ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, क्योंकि टू सेट्स रहते ना ओके। बट हेट्रोजाइगस में एक नॉर्मल है और एक डिफेक्टिव है ठीक है। तो नॉर्मल में 2 and 5 का किलो बेस पर का फ्रेगमेंट जनरेट होगा, और इधर 7 kilo बेस पर का, जैसे डिफेक्टिव रहता है। तो जब आप इसको ऑब्वियसली जब आप इसको रन करोगे ठीक है, जेल में रन करोगे तो ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वैसे, बट मैं जैसे बता रहा हूँ इधर जब इसको रन करने वाले हो इधर ओके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में 2 kilo बेस पेयर का फ्रैगमेंट, 5 kilo बेस पेयर का ऐसा जनरेट मिलेगा ओके। तो वैसे फ्रैगमेंट्स बहुत मिलेंगे, आपको खाली जेल पे रन करना है एंड प्रोब डालना है ठीक है, प्रोब डालना है। तो प्रोब किसके लिए डालोगे, एक 2 kilo बेस पेयर का फ्रैगमेंट के लिए प्रोब डालोगे, एक 5 kilo बेस पेयर का और एक 7 kilo बेस पेयर का फ्रैगमेंट के लिए प्रोब डालोगे। तो जिधर 2 and 5 है उधर प्रोब जाके बाइंड करेगा, और प्रोब हम लोग रेडियो एक्टिव रख सकते हैं ठीक है, या फ्लोरेसेंट रख सकते हैं, ल्यूमिनेसेंट डाई से अटैच कर सकते हैं ठीक है ओके। तो एक्चुअली मल्टीपल फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं, बट हम वी आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर डिजीज, जो जिधर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है ठीक है। तो उधर हम लोग इसके लिए एक करेंगे, इसके लिए एक करेंगे, तो फिर क्या होगा, दूसरे फ्रैगमेंट्स को जाके बाइंड नहीं होगा ठीक है। अभी नीचे आ जाते ओके। सो अभी डिजीज इंडिविजुअल देखो तो कितना किलो बेस पर का फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है, इट इज़ 7 kilo बेस पर का ठीक है। 2 का जनरेट नहीं हो रहा, 5 का जनरेट नहीं हो रहा, 7 kilo बेस पर ठीक है। तो ये इधर आएगा ठीक है। तो डिजीज इंडिविजुअल हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिकॉज इसका फ्रैगमेंट जनरेट एक ही 1 fragment है, और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 2 fragments ठीक है। बट अगर हम लोग हेट्रोजाइगस देखेंगे तो हेट्रोजाइगस क्या है, दे आर कैरियर इंडिविजुअल्स राइट। तो आपको ये 2 kilo बेस पर का मिलेगा राइट, फिर एक 5 kilo बेस पेयर का मिलेगा ठीक है, नहीं ये वाला, और जैसे फादर इज डिफेक्टिव तो उसमें 7 kilo बेस पेयर का फ्रैगमेंट जनरेट होगा ठीक है। तो प्रोब डालूंगा तो इधर तीनों फ्रैगमेंट विल बी मुझे मिल जाएगा ठीक है। तो इन इन दिस वे आई कैन डिटरमाइन इफ इंडिविजुअल इज नॉर्मल और कैरिंग म्यूटेंट एलील और इट इज इफेक्टेड, दोनों म्यूटेंट अलील म्यूटेंट हो चुके हैं, या इट मे बी कैरियर ठीक है। कैरियर में आपके एक डीएनए करेक्ट और दूसरा डीएनए आपका डिफेक्टिव है, सिंपल। समझ में आया कि ऊपर से क्या प्रनिल? यस ऋतुजा, प्रनिल बता दो मुझे। यस सर समझा। और बाकी लोगों को फुली समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो बता दूंगा ओके ठीक है।
सो ऐसे आप डिटरमाइन कर सकते हो जो इंडिविजुअल्स इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एलील और नॉट, ठीक है, या इट मे बी कैरियर आल्सो, ओके। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको इधर सदन ब्लॉटिंग करना पड़ेगा और ऑटो रेडियोग्राम से डिटेक्ट करना पड़ेगा। सो एवरीबडी नोज अबाउट सदन ब्लॉटिंग, राइट? ठीक है, ओके। सो ऑब्वियसली क्योंकि आप जेल में प्रोब तो नहीं डाल सकते, राइट, है कि नहीं, तो आपको उस मेम्ब्रेन में ब्लॉट करना पड़ेगा। एंड देन ब्लॉट करने के बाद ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग प्रूफ्स, लेबल्ड प्रूफ्स, ठीक है। ठीक है, तो इधर जो दे रखा है ना, इधर 1 1 2 2 और 1 2, इधर होपफुली आपको दिख रहा है। तो 1 1 मतलब नॉर्मल आपका एलील है, 2 2 मतलब डिफेक्टिव एलील है दोनों सेट में, क्रोमोसोम में। तो मदर से भी 1 एलील मिला है और फादर से भी 1 एलील मिला है, मतलब इधर 1 इज बेसिकली नॉर्मल एलील, ठीक है। 2 मतलब इधर देखो, इधर डिफेक्टिव एलील दिखा रखा है, तो इधर मदर एंड फादर में दोनों में भी डिफेक्टिव एलील है, ओके। अभी इधर क्या हेट्रोजाइगस है, इसमें फादर से डिफेक्टिव एलील मिला है एंड मदर से नॉर्मल एलील मिला, ठीक है, नॉर्मल एलील फादर से डिफेक्टिव एलील, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस है, तो ऑटो रेडियोग्राम में आराम से पता चल जाता, ठीक है। तो ये आपका पढ़ने का आपके ऊपर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एकदम सिंपल वे में आपको पूरा का पूरा समझाया, ठीक है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, तो इधर देखो मतलब प्रॉब्लम एज एन कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकता हूँ, इट इज बिट टीडियस एंड इट टेक टाइम, ठीक है, इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ेगा डीएनए को, ओके। मल्टीपल फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को फिर आपको डीएनए उसको क्या बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग करना पड़ेगा, फिर प्रोब्स डालने पड़ेंगे उस हिसाब से, ठीक है, फिर ऑडियो रेडियोग्राम पर। तो वी कैन स्किप सम पार्ट और वी कैन गो फॉर डायरेक्टली गो फॉर पीसीआर आरएफएलपी एनालिसिस। तो पीसीआर आरएफएलपी एनालिसिस मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा डीएनए में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली पीसीआर आरएफएलपी में क्या, आप खाली प्राइमर डिजाइन करो जो कि आपका अलील एफेक्टेड अलील है उसके आजू बाजू वाला अलील को ही आप आजू बाजू के रीजन को ही आप पीसीआर से एम्पलीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो ये लेफ्ट पीसीआर प्राइमर है, ये राइट पीसीआर प्राइमर है, ठीक है, दोनों के लिए ऑब्वियसली डिजी आपका नॉर्मल एलील भी कवर हो जाएगा, डिजीज एलील भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डीएनए आइसोलेट करने के बाद पूरा का पूरा डीएनए यू आर नॉट सब्जेक्टिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हो, ये इसको ये एम्पलीफाई कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, और डिजीज एलील रहेगा तो इसको एम्पलीफाई कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, जैसे बैमएच वन साइट है, इट इज बीइंग लॉस्ट, ठीक है, टी ए टू सी जी ट्रांजिशन म्यूटेशन है ना, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, आप पहले डीएनए एम्पलीफाई करके ले रहे हो पीसीआर से, ठीक है, फिर उसके बाद आप डाइजेस्ट करोगे, डाइजेस्ट करने के बाद आप इसको रन करोगे एंड रन करने के बाद आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, बेसिकली प्रोब्स भी ऐड करोगे, ठीक, ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर 500 बेस पेयर का प्रोब रह सकता है, 1500 बेस पेयर का प्रोब रह सकता है, एंड दूसरा प्रोब वुड बी स्पेसिफिकली ये रीजन को कवर करते हुए 2000 बेस पेयर का प्रोब, ऐसे मतलब 2000 बेस पेयर डिटेक्ट करने के लिए प्रोब्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रोब हो सकता है कि इधर का कुछ पार्ट अलील स्निप अलील और इधर का कुछ पार्ट कवर अप करें, ठीक है। तो वैसे ही आपका जैसे बिकॉज यू आर डिप्लॉयड, ठीक है, तो एक मदर से मिला, मदर से भी अगर नॉर्मल मिला, फादर से भी नॉर्मल मिला, तो आपको 2 बैंड्स मिलेंगे। जैसे इधर क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो आपको 2 बैंड मिल रहा है, 500 बेस पेयर का एक 1500 बेस पेयर, ठीक है।
इफेक्टिव एलील में आपको इधर कट ही नहीं आएगा, तो इधर 2000 बेस पेयर का फ्रैगमेंट बनेगा, ठीक है ना, 500 प्लस 1500। ओके नेक्स्ट है जो थर्ड है, अब हेट्रोजाइगस में एक ही अलील रहेगा और एक ही अलील रहेगा, तो मतलब आपको 500, 1500 बेस पेयर एंड 2000 बेस पेयर का सेगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म काफी अच्छे से दिखा रहा है। ओके सो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो इधर आई थिंक प्रोब्स की भी यूटिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, बैंडिंग पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा, तो प्रोब्स यूटिलाइज करने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। पीसीआर एम्पलीफाई किया, अगारो जेल रन किया, डन। तो ये आपको एक दिन में करके मिलेगा, और अगर आप प्रीवियस मेथड यूटिलाइज करते हो आरएफएलपी का, तो उसमें आपको 2 डेज 3 डेज मिल जाता है, ठीक है। यह समझ में आ रहा है, ऊपर से यार बता देना, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ फिर, ठीक है। तो इधर हम लोग ने क्या किया था, पूरा का पूरा जो डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट करके उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ट्रीट करके फिर आपने अगारोस पे रन किया, अगारोस के बाद आपने ब्लॉट किया इनटू सदन, सदन ब्लॉटिंग किया, फिर सदन ब्लॉटिंग में आपने प्रोब्स यूटिलाइज किए 2 किलो बेस पर के लिए, 5 किलो बेस पर 70। तो ऐसे आपको ऑटो रेडियोग्राम मिल जाता है। तो इससे बेटर टेक्निक है, आप क्या कर सकते हो, पीसीआर आरएफएलपी कर सकते हो, ठीक है। वापस मैं समझा रहा हूँ, पीसीआर आरएफएलपी में क्या हो रहा है, आपका आपको जो सेगमेंट चाहिए, तो हम लोग इधर क्या कर रहे थे, इधर हम लोग बेसिकली ये देखो, तो हम लोग के पास क्या था, ये पूरा एक बड़ा सेगमेंट था, ओके। तो मेरा जो डिफेक्टिव डीएनए किधर था, इधर था, राइट, है ना, ये डिफेक्ट है। तो मैं ये इसको भी एम्पलीफाई कर रहा हूँ, इधर भी एम्पलीफाई कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, खाली इधर के लिए और इधर के लिए प्रोब लगा सकता हूँ। मतलब क्या, पीसीआर आरएफएलपी में क्या, जैसे मेरा इधर ये जैसे प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ओके इधर एक कट था, ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट था, इधर एक रेस्ट्रिक्शन साइट था और एक इधर रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो अगर देखोगे ये 7000 किलो बेस पर, 7 किलो बेस पर का फ्रैगमेंट है, 7000। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे खाली मैं क्या करूँगा, इतना ही रीजन में एम्पलीफाई करूँगा, मतलब इधर ये जो रीजन है इसको मैं पीसीआर से एम्पलीफाई कर दूंगा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि डिजीज एलील आपको इधर ही मिल जाएगा। तो आप एक इधर फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर यूटिलाइज करोगे और यही रीजन को एम्पलीफाई कर दो, ठीक है। यही रीजन को एम्पलीफाई करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको पता है कि आपका जो डीएनए है वो ऐसा है, ठीक है, और इधर रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। और अगर आप डिफेक्टिव देखोगे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करोगे, इधर तो कुछ कट नहीं आने वाला, इधर कट आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको ये फ्रैगमेंट को रन करोगे तो आपको इधर 2 फ्रैगमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 2 फ्रैगमेंट, डिजीज इंडिविजुअल है क्योंकि इधर क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट का लॉस हुआ है, ये 7 किलो बेस पर का। तो इसमें आपको प्रोब्स की भी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो इधर एक फ्रैगमेंट रहेगा, इधर एक फ्रैगमेंट रहेगा, सिंपल। समझ आया कि ऊपर से क्या, बता दो मुझे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो नॉर्मल आपका आरएफएलपी, ठीक
ठीक है, इसमें आरएफएलपी सदर्न ब्लॉटिंग, ये दो टेक्निक का मिक्सचर, ठीक है, आरएफएलपी सदर्न ब्लॉटिंग, तो सदर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस मेथड फॉर स्टडिंग स्निप्स, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा पीसीआर आरएफएलपी, तो ये अभी देख लिया, ठीक है। और इसमें क्या एडवांटेज है कि इसमें प्रोब्स का यूटिलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। एंड होमोजाइगस हेटरोजाइगस एंडोजिगस आराम से पता चल जाता है। और भी मेथड्स है हम लोग स्निप डिटेक्शन के लिए, तो हम लोगों ने देखा जो स्निप्स, तो हम लोगों ने क्या किया था, स्निप्स को डिवाइड कर दिए थे इनटू टू टाइप्स, क्या क्या था, एक तो विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट, राइट, एक तो हम लोगों ने देखा विच वॉज स्निप विच वॉज विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं आउटसाइड द रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब आउटसाइड, जब अगर रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर है ही नहीं तो हम लोग उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इधर क्या हो रहा था, रेस्ट्रिक्शन साइट लॉस हो रहा था, राइट, लॉस हो रहा था। बट अगर रेस्ट्रिक्शन साइट के आजू बाजू है या उससे दूर भी है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इट इज बीइंग इफेक्टेड ऑन, ठीक है, आउटसाइड द रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर स्निप होता है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म आता है या म्यूटेशन इवेंट होता है रेस्ट्रिक्शन साइट के बाहर, तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है। ओके, तो इधर हम लोग आ जाते हैं, तो इधर आ जाता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है एएसओ। इसमें एएसओ मतलब क्या हो गया, अलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बताया कि जो स्निप है वो ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन साइट के बाहर ही चेंजेस लाता है, रेस्ट्रिक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर ही चेंजेस लाएगा, रैंडमली कहीं भी जाके चेंजेस कर सकते हैं, म्यूटेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ। बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन रेस्ट्रिक्शन साइट, हाउ वी कैन डिटेक्ट इट, ठीक है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये समझना जरूरी है कि जो स्निप एनालिसिस है, क्योंकि खाली एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो क्योंकि 300 करोड़ बेस पेयर में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज को डिटेक्ट करना है, तो डैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो इसमें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस, ठीक है, एएसओ। तो एलील मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट एलील हो गया, रिसेसिव एलील हो गया, ओके, वो एलील हो गया। स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब एलील वही एलील को जाके बाइंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ठीक है। तो एलील एएसओ में क्या होता है, आपको जो प्राइमर है या प्रोब है उसको आपको एग्जैक्टली जैसे ये डॉम जैसे ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है, मतलब इट इज अ वाइल्ड टाइप एलील, तो आपका जो प्रोब है वो अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशन, ये याद रखो, अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशन, स्ट्रिंजेंट मतलब टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, जो भी, तो अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशन जो प्रोब है डैट विल बाइंड ओनली टू नॉर्मल प्रोब, नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे इधर देखो, ये क्या है, सी और जी, तो नॉर्मल क्या है अलील के, इट कंसिस्ट ऑफ जी, ठीक है, सी जी, तो प्रोब क्या होगा, पूरा का पूरा डीएनए इधर दिख रहा है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब तक बाइंड नहीं होंगे तब तक वो अनस्टेबल रहेगा। ध्यान से सुनो, अलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में ये स्टेबलाइज कब होगा, कब जाके बाइंड करेगा, तब जब कि आपके सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर बनाएंगे। क्यों सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब तक क्योंकि आप स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रख रहे हो, ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया ना, टेम्परेचर में टीएम वैल्यू टीए वैल्यू आपने होपफुली सुना रहेगा, राइट, तो टीएम एंड टीए वैल्यू इज वेरी वेरी रेगुलेटेड, ठीक है। तो
और आपके बाकी सारे पैरामीटर्स है उसको भी रेगुलेट किया जाता है। प्लस जब तक ये पूरा का पूरा बाइंड नहीं करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड का भी फर्क रहेगा तो बाइंडिंग नहीं होता। जैसे इधर क्या हो रहा, आपका देखो एक मिसमैच आ गया, ठीक है, ओके, एक मिसमैच आ गया, तो आपका जो इधर मिसमैच की वजह से जो अलील है इट विल नेवर बाइंड टू दिस। एक खाली एक न्यूक्लियोटाइड का ही प्रोब में चेंज है फिर भी वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखे हैं, अगर आपने स्ट्रिंजेंट कंडीशन नहीं रखा रहता, ठीक है, जैसे आप TM वैल्यू है उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इसमें क्या होगा, ये अनस्पेसिफिक बाइंडिंग होगा, ठीक है। इसमें तो इसमें जितना ज़्यादा आप जो पैरामीटर्स है उसको स्ट्रिंजेंट रखोगे, स्ट्रांगली आप वही मतलब आपने बोला 55 डिग्रीज, मतलब 55 डिग्रीज ही होना चाहिए तब जाके ये बाइंड होगा, नहीं तो बाइंड नहीं होने वाला, ठीक है। प्रो तो प्रो विल बाइंड ओनली टू टारगेट DNA और टारगेट जो भी जीन व्हेन सारे के सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड ना हो जाए, ठीक है। सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो गए तो स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि ये जो प्रोब्स है, प्रोब को मैं लेबल कर सकता हूँ या जीन्स को लेबल कर सकता हूँ, दोनों में ही चलेगा। ठीक है, तो इसमें ASO में क्या हो रहा है, अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब क्या मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रोब है इट इज़ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसको मैं केमिकली सिंथेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इधर दे रखा, इधर क्या दे रखा है कि G के बाद C आएगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंथेसाइज कर रहा हूँ प्रोब्स को सिंथेसाइज कर, कि G के बाद C आएगा, C के बाद C आएगा, वापस A आएगा, वापस उसके बाद T आएगा, उसके बाद T आएगा, वापस उसके बाद A आएगा, ठीक है। तो ये मैं केमिकली सिंथेसाइज कर रहा हूँ आपको, और क्योंकि क्या है, मैं बेसिकली एक टाइप का जो प्रोब है उसको जनरेट कर रहा हूँ ताकि मेरे को स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही जाके बाइंडिंग मिले, ठीक है, और कहीं जाके बाइंडिंग मिले, ठीक है। और मैंने पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिंजेंट रखे हैं, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, तो खाली जो मेरा प्रोब है जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तब जाके मतलब सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तब वो जाके बाइंड करेगा, नहीं तो अनस्टेबल फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं बाइंड होता तो फिर वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर दिखा रहेगा, दिस इज अनस्टेबलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो स्निप अलील प्रोब स्पॉट्स ऑन द फिल्टर, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर में प्रोब्स को स्पॉट कर सकते हैं या फिल्टर में मैं अलील्स को स्पॉट कर सकता हूँ, दोनों भी चलेगा। तो प्रोब को भी स्पॉट कर सकते हैं, एंड देन उसमें जो हमारा एक्सट्रैक्टेड DNA उसको एक्सट्रैक्टेड DNA को PCR एम्पलीफाई कर दूंगा, मुझे एक पर्टिकुलर रीजन में ही चेक करना है कि उसमें म्यूटेशन इवेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत सारे मेरे टारगेट जीन बनाऊंगा, एम्पलीफाई कर दूंगा, और मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल प्रोब मेरा मेम्ब्रेन में अटैच हो सकता है, तो मैं चेक कर तो जब ये मैं टारगेट PCR जो मेरा टारगेट जीन है जिसको मैं जो डिटेक्ट करना है तो मैं उसको भर भर के डाल सकता हूँ एंड चेक कर सकता हूँ कि बाइंडिंग हुआ है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही तो इसके लिए मैं हूँ, इससे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि जो पर्सन है वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है या हेट्रोजाइगस, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पता तो मुझे रिपीट चाहिए तो पता, यस। प्रनील, ऋतुजा, समझा? तो इसमें क्या है, तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खाली एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से आपका प्रोब विल नॉट बाइंड टू टारगेट DNA, सिंपल, ठीक है, ओके। तो प्रोब बाइंड ही नहीं करेगा, प्रोब बाइंड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपको सिग्नल जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है।
प्रोब को मैं अगर ये कर सकता हूँ, उसमें उसमें आपका मार्कर अटैच कर सकता हूँ, एज इन मतलब रेडियो एक्टिव हो सकता है, या आपका ल्यूमिनेसेंस हो सकता है, या फ्लोरेसेंस हो सकता है, या मैं डीएनए में कर सकता हूँ, ठीक है. ओके, एसटीआर एंड वीएनटीआरस आर नॉट देयर. ओके, ठीक है. तो इसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बारे में आ रखा है, तो ये वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज म्यूटेशंस के बारे में. ओके, तो इसमें क्या बोल रहे, जो हम लोग चेक कर सकते हैं किसके लिए, जैसे हंटिंगटन डिजीज है, या हीमोफीलिया है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या TSX है, जो हम लोग ने कुछ देखे हुए, सिकल सेल एनीमिया, जिस अभी हम लोग देखने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है. तो उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो आपका जेनेटिक स्क्रीनिंग में आ जाता है, जो हम लोगों ने देखा हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. ओके, तो इसमें ये भी है, क्या बोलते हैं, आपके डेफिनेशंस है, तो उसको में आप चेक आउट कर सकते हो उसको, ठीक है. ओके, अभी जितने भी हम लोगों ने देखे, ये अभी क्या देखा, RFLP, सदर्न ब्लॉटिंग, राइट, PCR, RFLP PCR लिखा, राइट, हाँ, PCR RFLP हो गया. फिर हम लोगों ने देखा तीसरा ASO, ठीक है, ASO भी देख लिया. बट इसमें क्या हो रहा है, खाली आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है, आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं एक बार में, एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम आप एक, खाली एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ तो वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आपका एक, इफ़ यू इफ एनीबडी सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, ठीक है, ओके, एंड कैंसर में म्यूटेशंस अंधाधुंध होते हैं, मतलब आँख बंद करके किधर भी रैंडमली म्यूटेशंस होते हैं, ओके, सो उसको आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे. सो इधर क्या हो रहा है, खाली वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज ही देख रहे हैं. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल BRCA1 एंड BRCA2, विच कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ओके, सो इट अकाउंट्स फॉर 60% कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, ओके, प्लस उसमें ये भी है कि उसमें 1000 से ज़्यादा म्यूटेशंस है, ठीक है, खाली BRCA1 में. अब वो एक एक इंडिविजुअल म्यूटेशंस करने के लिए आपको 1000 टाइम्स ये कैरी आउट करना पड़ेगा, विच इज़ बिट अनरियलिस्टिक, ठीक है, ओके, 1000 ऐसे आपको प्रोब्स बनाने पड़ेंगे, एंड ऐसा रन करना पड़ेगा, एंड इट टेक्स टाइम, राइट. तो इंस्टेड ऑफ, तो ये आगे का टॉपिक है, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ओनली वन म्यूटेंट एट अ टाइम, आई कैन गो फॉर, आई कैन सर्च फॉर, आई कैन डिटेक्ट फॉर सेवरल म्यूटेंट एट अ टाइम, ठीक. आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं, तो देर इज अ वन सिंपल वर्ड फॉर दैट, विच इज कॉल्ड एज माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी, माइक्रो एरे, ठीक है, ओके, माइक्रो एरे. तो माइक्रो एरेज यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर दिस पर्पस. उसमें क्या होता है, मल्टीपल जीन्स में को डिटेक्ट कर सकता हूँ एट अ टाइम, ठीक है, मल्टीपल जीन्स को, जीन डीएनए को डिटेक्ट कर सकता हूँ, या cDNA को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ. सो होपफुली यू नो अबाउट cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, mRNA को रिवर्स ट्रांसक्राइब करके cDNA जनरेट करके मिलता है, ठीक है, सो इट इज डिवाइड ऑफ इंट्रोन्स, ठीक है. तो जो BRCA1 एंड BRCA2 है, ये जो मतलब कैंसर कॉज करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, और इससे इससे हम लोग, तो BRCA1 एंड BRCA2 नॉर्मली आपका जो अगर अनम्यूटेटेड फॉर्म में रहता है, तो ये सेल साइकिल में रेगुलेशन करता है, ठीक है, सेल साइकिल में रेगुलेट करता है. बट अगर वो म्यूटेट हो जाता है, तो सेल साइकिल को कोई रेगुलेशन के लिए कोई है नहीं, तो फिर वो पूरा का पूरा फ्यूज उड़ जाता है. बेसिकली इट स्टार्ट्स ओवर प्रोड्यूसिंग दीज केमिकल्स, जिसकी वजह से सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड होता है. ओके, ठीक है,
Don't think breast cancer is only limited to women. It is also observed in men. ठीक है, 5% to 10% केसेस में मेन में भी ऑब्जर्व किया गया ब्रेस्ट कैंसर। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें इसको एक एक अगर एक म्यूटेशंस डिटेक्ट एक सिंगल म्यूटेशंस डिटेक्ट करने हैं तो आरएफएलपी पीसीआर आरएफएलपी आपका पीसीआर यूटिलाइज कर सकते हो, या आरएफएलपी सदन ब्लॉटिंग यूटिलाइज कर सकते हो, या एसओ यूटिलाइज कर सकते हो। बट मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशंस है, भर के म्यूटेशंस है, तो इट इज़ वर्क ऑफ माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। ठीक है, उससे उससे आप इससे ज़्यादा कोई नया मेथड नहीं है अभी तक। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको जब आप कोई पेशेंट मिल जाता है फैमिली में कि फॉर एग्जांपल ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, सो बाकी जो मेंबर्स है ऑफ दैट फैमिली आर रिकमेंडेड टू अंडरगो स्क्रीनिंग। ठीक है, तो पोस्ट नेटल स्क्रीनिंग हो जाएगा वो, फॉर जेनेटिक एनालिस, फॉर जेनेटिक स्क्रीनिंग या जेनेटिक टेस्टिंग भी हो सकता है, जो भी है। तो हम लोग जेनेटिक्स टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिजीज होने से पहले जो चेंजेस जो डीएनए में आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट देखोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिजीज हो गया है एंड देन वी आर डिटेक्टिंग कि डिजीज है, मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब डिजीज हो चुका है, आपको चेक करना है कि कौन सा डिजीज है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोविड एनालिसिस आरटीपीसीआर ले लो कोविड एनालिसिस के लिए, तो क्या जब कोविड आप पॉजिटिव हो तभी आप क्या बोलते हैं आपका पॉजिटिव आएगा ना, राइट। आप आपको कोविड ने इन्फेक्शन दिया रहेगा तब जा आपको डिटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, बट अगर कैंसर फॉर्मेशन का देखते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कैंसर फॉर्मेशन आपको 1 सेकेंड, मतलब जैसे म्यूटेशन हुआ तो आपको ऐसे ही नहीं एंड नेक्स्ट मिनट में पता चल जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी इट मे बी स्लो प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं, एक सिंगल स्टेप नहीं रहता, मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, सम सेज देयर आर सेवन मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, 7 स्टेप्स रहते हैं कैंसर फॉर्मेशन के लिए। तो इफ वी यूज दिस टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग तो हम लोग पहले ही पता कर लेंगे कि जेनेटिक स्क्रीनिंग में देर सम चेंजेस इन योर डीएनए, इट माइट लीड टू कैंसर। ठीक है, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या प्रिवेंटिव एनालिसिस जो भी प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एज इन कैंसर फॉर्मेशन एंड कैंसर एज इन मैलिग्नेंसी। ठीक है, ओके। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देख रहे दे रखे हैं कि जो मैमोग्राम यूटिलाइज करते हैं तो ये बेसिकली जो ब्रेस्ट में लीजन्स रहते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए रहता है, मतलब डिजीज हो चुका है, कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल जो सिम्टम्स है वो कैंसर ऑनसेट होने के बाद दिख रहे हैं। ठीक है, अगर बिफोर हम लोग को प्रीएम्प्ट करना है तो वी कैन गो फॉर जेनेटिक स्क्रीनिंग और चेक कर सकते हैं कि इफ यू इफ अ पर्सन इज माइट बी मोर ससेप्टेबल टू दिस ब्रेस्ट कैंसर और नॉट, सिंपल। ठीक है, तो वन ऑफ द रिसर्च ऑल्सो सेज दैट इफ इफ यू आर फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए मदर शुड फीड हर बेबी। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर कम रहता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली चांसेस कम रहते हैं अगर मदर फीड कर रही है बेबी थ्रू थ्रू मदर मिल्क। ठीक है, तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं फॉर कैंसर फॉर्मेशन, सिंपल। ओके, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगर जेनेटिक टेस्टिंग कर पाएंगे सिंपल वर्ड्स में कि वी कैन प्रेडिक्ट इफ इन फ्यूचर देर कैन बी देर इज अ पोटेंशियल टू फॉर्म कैंसर। ठीक है, सिंपल।
वैसे ही हम लोग होमोजाइगस हेटरोजाइगस को डिटेक्ट किया जा सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव को, ठीक है, कैरियर इंडिविजुअल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें वही दे रखा है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। हम लोगों ने ऑब्वियसली प्री नेटल करेंगे तो एमनियोसेंटेसिस हो गया, CVS हो गया, ठीक है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हो गया, तो उसको उससे सैंपल निकाल के हम लोग ये एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल। या बायोकेमिकल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को हम लोग चेक कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट्स भी कैरियर्स है तो ऑब्वियसली देर इज़ अ 1/4 चांस डेट पर्सन में माइट बी डिजीज्ड, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग ने ये भी देखा था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ हम लोग उसमें 8 सेल या 16 सेल स्टेज में एक सेल निकाल के उसका जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड इफ अ प्रेगनेंसी हैज़ टू बी ड्रॉप्ड और नॉट, सिंपल, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो है, जो इफ इट कंटेन्स म्यूटेटेड जीन्स, तो उसको फिर निकाल दिया जाता, ठीक है, एंड वी कैन गो फॉर हेल्दी बेबी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरल डिजेनरेशन। तो मतलब कि आपका जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट होना चालू हो जाएगा, ओके। सो इट इज़ सेट सिमिलर थिंग फॉर आपका कोविड। तो कोविड में भी ये बोला गया है कि जो आपका न्यूरॉन्स है उस पर इफेक्ट कर रहा है कोविड वायरस, ठीक है। सो इट में इन फ्यूचर में लीड टू डिजेनरेशन, ठीक है, ओके। सो ये सब आगे के पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट है फिर मसल डिस्ट्रॉफी है, जिसमें आपका मसल एट्रोफी हो जाता है, मसल डिसफंक्शन हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया आपका, उसमें ऑब्वियसली आपको पता है क्लोरीन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका नॉर्मल जो लंग में म्यूकस है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, जो म्यूकस रहता है उसका कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिक्विडी कंसिस्टेंसी रहती है। बट अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखोगे तो जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ लाइक रबर, रबर या बोलूँगा या गुई थिंग रहेगा, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, 1 पर्सन में डाई ऑफ इन इनहेलेशन या एनोक्सिया बेसिकली, ठीक है। सो एनोक्सिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आती है उसमें, ओके। आगे चलते हैं, फिनाइल कीटो यूरिया हो गया। तो फिनाइल कीटो यूरिया में जो यूएस में अगर देखोगे या कुछ एडवांस कंट्रीज देखोगे जैसे यूएस हो गया, उसमें PKU या फिनाइल कीटो यूरिया है, उसको जैसे ही न्यू बॉर्न हुआ वैसे ही मतलब इन्फेंट ने जन्म लिया उसका एनालिसिस करके वी कैन उसको चेक किया जा सकता है, ओके। सिकल सेल एनीमिया ज़्यादातर मैंने जैसे पहले भी बताया था अफ्रीका में होता है, साउथ एशियन रीजन्स में होता है, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, तो उसको भी चेक किया जा सकता है। फिर टे-सैक्स डिजीज हम लोगों ने देखा था, ये एशकेंजी जूज में देखा गया, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए तो इसमें इसका आ जाता है बीटा ग्लोबुलिन जीन का, विच इज़ नथिंग बट, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, इधर गया। तो हम लोग देख रहे कैसे देख रहे भाई, सिकल सेल एनीमिया देख रहे हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड है वो सिकल शेप्ड है, मतलब अपने सिकल पता है, सबको पता है सिकल क्या होता है, ठीक है, ओके। तो कोई बता सकता है मुझे ब्लड का शेप क्या रहता है एंड डायमेंशन क्या रहता है? यस, सो रहे हो सब लोग, कोई बताएगा ब्लड आरबीसी का शेप एंड साइज?
आरबीसी का शेप एंड साइज, आरबीसी न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस रहते उसके अंदर कि इट इज विदाउट न्यूक्लियस? विदाउट न्यूक्लियस, हाँ, शेप क्या है उसका? स्फेरिकल है, क्या है? स्फेरिकल है, फ्लैट है, क्या है? स्फेरिकल बेसिकली बाइकॉन्वेक्स रहता है, नॉट स्फेरिकल. ओके, ऐसा रहता है. ठीक है, अब बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने, ठीक है. बट थिंग इज कि आपका जो ये इसके जगह ऐसा शेप बन जाता है, विच ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, ठीक है. तो दिस इज एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल शेप है, ठीक है. ये नॉर्मल है एंड करीबन करीबन नॉर्मल शेप ही बना है, ठीक है. तो एक बार देख लेते उसके पीछे का जेनेटिक रीजन क्या है. ओके, ये भी एक वन बेस पेयर का डिफरेंस है. एग्जांपल देख रहे हम लोग, ठीक है. देखो इधर देखो, ये जीन है HBA और एक इधर है HBS. ओके, HBS मतलब सिकल, ए मतलब नॉर्मल, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली. अच्छा इधर देखोगे आप तो ये सारे सिक्वेंस सही है, वंस ऑब्वियसली, इसका mRNA एंड इसके जो करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स है वो सही है, ठीक है. तो वैलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ठीक है. अभी इधर देखोगे बहुत स्पेशल है, इधर देखोगे तो ये बीटा ग्लोबुलिन जीन रहता है, उसमें जी ए जी है, ठीक है. ओके, नॉर्मल जी ए जी है, इट इज़ फॉर्मिंग ग्लूटामिन जी ए जी. बट अगर तुम लोग जो हीमोग्लोबिन जो है आपका सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ जी ए जी देर इज अ सिंग एसन स्नेप है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जी ए जी की जगह जी टी जी में आ गया, एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक. क्यों? क्योंकि अभी ये बन गया जी यू जी. ना जी यू जी mRNA विल कोड फॉर, नॉट फॉर ग्लूटामिन बट इट विल कोड फॉर वैलिन, ठीक है. तो वैलिन के लिए कोड कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा फिर, अगर वैलिन के लिए कोड करेगा तो ये सिकल शेप हो जाएगा, द पर्सन वुड बी अफेक्टेड. ऑब्वियसली मैं खाली अभी एक ही डीएनए की बात कर रहा हूँ, अगर इफ वी गो फॉर लुकिंग फॉर बोथ सेट्स ऑफ डीएनए तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है. ओके, या पर्सन हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है. ओके, ठीक है. सो इससे हम लोग आरएफएलपी एनालिसिस से पता कर सकते हैं. तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, सिंपल है एकदम. एक बार वापस देख लेते हैं. देखो एच बी ए, इसमें खाली एक ही जो नॉर्मल जीन है जी ए जी है, ठीक है. उसमें वो इधर अगर तुम लोग देखोगे एबनॉर्मल में राइट साइड में, ओके. सो इसमें देखोगे तो ये जी टी जी में कन्वर्ट हो गया, इधर रेड जो दिख रहा है आपको वो, एंड एंड इसका करस्पॉन्डिंग mRNA जी यू जी विच विल कोड फॉर वैलिन, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं कि सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में जो नॉर्मल पेशेंट में कौन सा सीक्वेंस रहता है सिक्स पोजीशन में, ठीक सिक्स अमाइनो एसिड, ठीक है. एंड उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हो वो भी बता सकते हो तुमको, सिंपल है, ठीक है. तो इधर जो आपका ऑब्वियसली इधर एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, सो जो चेंजेस आ रहे हो डीएनए में इट इज विद इन द रिस्ट्रिक्शन साइट. और अगर आप देखोगे तो इधर DDE1 जो रिस्ट्रिक्शन साइट है दैट इज बीइंग लॉस्ट इन जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में दिख जाता है. ओके, तो इधर जो बीटा ग्लोबुलिन जीन ए है एंड बीटा ग्लोबुलिन जो इसमें म्यूटेंट है, ठीक है, इसमें DDE1 नहीं है, सिंपल है.
ठीक है, तो RFLP यूटिलाइज कर सकते हो या आप इधर इसको एक्सपैंड कर सकते हो यूजिंग PCR एनालिसिस। ये देखो ये वही है जो हम लोग ने एग्जांपल ऊपर देखा था, जेनरिक देखा था, अभी इसमें विद एग्जांपल। ठीक है, तो इधर क्या DDE1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, इधर इधर है। ठीक है, ये जो आपका सिकल सेल एनेमिक पेशेंट में, अगर नॉर्मल में देखोगे तो इधर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, इधर भी है, इधर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, इधर भी है। ओके, बट बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, और बट इधर नॉर्मल इंडिविजुअल में एक रेस्ट्रिक्शन साइट है जो कि लॉस हो चुका है। ठीक है, ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो इधर आप ऑब्वियसली आप प्रोब यूटिलाइज करोगे एंड ऑटो रेडियोग्राम में चेक करोगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि होमोजाइगस है जिसमें दो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, या हेट्रोजाइगस है जिसमें तीन फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, या होमोजाइगस रिसेसिव है जिसमें एक ही फ्रैगमेंट मिलता है। ठीक है, सेम मेथड है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको खाली वर्डिंग्स थोड़े अच्छे जानने पड़ेंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर PKU। PKU इज फिनाइलकीटो यूरिया, और उसमें HEPA1 को यूटिलाइज करता है। उसमें क्या होता है, आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं एक ही म्यूटेशंस होंगे, देयर कुड बी मल्टीपल म्यूटेशंस आल्सो। ठीक है, वैसे जैसे इधर ASO के बारे में भी दे रखा है। ओके, तो खाली एक जीन आपका चेंज है, C से T हो गया। ओके, तो आप उसका एनालिसिस करोगे होमोजाइगस के लिए, नॉर्मल के लिए, म्यूटेंट के लिए, और हेट्रोजाइगस के लिए। तो आपको जो 370th जीन है, इधर देखो 370th, सॉरी अमाइनो एसिड है। ओके, उसमें प्रोलीन हो सकता है या एल्यूसिन हो सकता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, जिसके वजह से सी या टी हो सकता है। उसके वजह से जो अमाइनो एसिड है वो प्रोलीन होगा या ल्यूसिन होगा, दोनों दोनों नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, एक ही जीन के अंदर दोनों नहीं रहेंगे, हो सकता है दो सेट में अलग अलग। तो आपको जैसे अगर इंडिविजुअल इज वाइल्ड टाइप, तो उसमें आपको ये 370 वाइल्ड प्रो वाइल्ड टाइप में मिलेगा। ठीक है, प्रोब्स यूटिलाइज करें। हेट्रोजाइगस में आपको दोनों में मिलेगा, होमोजाइगस म्यूटेंट में एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, ओके, सो इसमें PCR एनालिसिस करके आप यूटिलाइज कर सकते। ओके, एक और चीज़ है, तो ये इसका देखा, ASO का देखा, बट अगर कुछ अलग एक और है ASO का, ग्लोकोमा। सो व्हाट इज ग्लोकोमा, सुना है ग्लोकोमा? यस, ग्लोकोमा सुना, ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा, पता दो मुझे, यस और नो, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे। प्रनेल, ऋतुजा सर, इसको ही हिंदी में मोतियाबिंदु बोलते हैं ना? मुझे एक मिनट, मैंने ग्लोकोमा सुना है और उस एक ज्यादातर पिक्चर्स में देखे मैंने, एक मिनट में सर। व्हाइट लेयर आ जाता है आंख के ऊपर, बोल सकता हूँ मैं, बट इट कॉजेस ब्लाइंडनेस। मोतियाबिंद से ब्लाइंडनेस होता है क्या? यस सर। ओके, एक मिनट, बट ये क्योरेबल है, मोतियाबिंद क्योरेबल है? हाँ, जेनेटिक ये है क्या? एक मिनट, एक मिनट, देख लेते इन हिंदी। काला मोतिया बोलते हैं इसको, पता नहीं क्यों। ओके, आई डोंट नो, ग्लोकोमा इट इज आई थिंक डिफरेंट। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपका म्यूटेशन इवेंट हो रहा है। ओके, एक मिनट, इधर देख लेते किधर के। ओके, सो ग्लोकोमा में क्या हो रहा है, आपका म्यूटेशन इवेंट हो रहा है। किधर हो रहा है, किधर है भाई ग्लोकोमा के लिए? ओके,
है, ग्लोकोमा के लिए इधर, ठीक है, तो ये आपका होमोजाइगस में आपको 378 में इंस्टेड ऑफ प्रोलिन ल्यूसिन जा रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है आपका जो ग्लूकोमा के सिम्टम्स है वो, तो आपको आई, ये एक अमाइनो एसिड की वजह से ये जो आई पर प्रेशर है वो बिल्डअप होता रहता है, मतलब ऐसा लगता है आई को कोई क्रश कर रहा है, ठीक है। और आपका पहला सिम्टम क्या रहेगा, पेरिफेरल विजन, एक तो दर्द तो हो गई और पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा। पेरिफेरल विजन मतलब जो आप थोड़ा सा, अगर आप, आपका जो डिग्री ऑफ वॉचिंग मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रीट नहीं किया गया, डायग्नोस में लेट हुआ, ट्रीट नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू ब्लाइंडनेस, एंड ऐसे लगता है कि कोई आपका आई क्रश कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अगर आप कोई पिक्चर्स देखोगे, फॉरेन पिक्चर देखोगे, तो उसमें ऐसे होता भी है, लोग जो अमेरिका में वो ग्लोकोमा ट्रीटमेंट के लिए वो जो वीड फूकते हैं, वीड एज इन क्या होता है वो, मैं नाम भूल गया। ओके, सो वो वीड स्मोक करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको रिलीफ मिलता है, तो बट इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑब्वियसली, वो आपका पेन किलर का काम करता है, ठीक है। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे इधर, तो इधर प्रोलिन की जगह ल्यूसिन आ रहा है, ठीक है, जस्ट सी टू टी में कन्वर्ट हो चुका है, बेसिकली ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है। तो ये स्निप एनालिसिस से किया जा सकता है, ओके। और इस इधर जो प्रोब्स यूटिलाइज कर रहे हैं ASO, वो 19 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, तो वो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो जीन है वो कवर कर रहा है, 19, ठीक है। तो ये देखो GLC1A, इट इज़ अ जीन, एंड उसमें अगर म्यूटेशन होता है तो इट इट कैन इट विल लीड टू ग्लोकोमा, एंड म्यूटेशन किधर, इधर 370th न्यूक्लियोटाइड में, 370 सॉरी अमाइनो एसिड में, 370th अमाइनो एसिड, ओके, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आप जो प्रोब्स है उसको लेबल कर सकते हो, या आप DNA उसको लेबल कर सकते हो, ओके। ASO को हम लोगों ने देखा हुआ, ठीक है, तो एक बार पढ़ो अच्छे से इसके बारे में, देन वी विल कम टू DNA माइक्रोएरे, ठीक है। तो DNA जैसे मैंने पहले बताया, एक इधर हम लोगों ने जितने भी अभी डिजीज देखे हैं उसमें एक ओनली वन एंड वन न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से डिजीज होते हैं। अभी और भी बहुत सारे जेनेटिक डिजीज है, जैसे आपने प्रोजेरिया सुना रहेगा, ठीक है, और फिर आपने थैलेसीमिया सुना रहेगा, और अभी इसमें सिकल सेल एनीमिया। तो ये खाली एक न्यूक्लियोटाइड चेंज, ओनली वन एंड वन न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से ये डिजीज़ होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से पर्सन के नॉट प्रोड्यूस हो नॉर्मल ब्लड, या इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिकल सेल ब्लड, तो उसका डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये उसको हम लोग ये मेथड्स, ASO मेथड हो गया, RFLP हो गया, PCR हो गया, ठीक है, एंड या ब्लॉटिंग हो गया, सदन ब्लॉटिंग, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इफ़ देयर आर मल्टीपल जीन्स, एक ही जीन में मल्टीपल म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल BRCA1 एंड BRCA2 है, ठीक है, तो इट कॉजेज 60% ऑफ ऑल हेरिडिटरी केसेस, ठीक है, ओके। ये देखो इधर देखो, 500 डिफरेंट म्यूटेशन हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन BRCA1, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली ASO को भी रन करने जाऊंगा तो मेरे को एक दो दिन लगेगा, ठीक है, और इधर 500 डिफरेंट म्यूटेशन हैं, तो मतलब मेरे को कितना टाइम लगेगा, 2 × 500 कितना हो जाएगा, 1000 डेज, उतना टाइम है क्या मेरे पास, नहीं। तो इसके लिए मुझे दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट माइक्रो एरे, ओके, ठीक है। तो ये माइक्रो एरे से ही डिटेक्ट होगा, क्योंकि इतना स्पीड और कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ओके। तो माइक्रो एरे से मैं DNA एनालिसिस कर सकता हूँ, माइक्रो एरे से मैं CDNA एनालिसिस कर सकता हूँ, ये याद रखो, CDNA एनालिसिस, क्यों, क्योंकि मैं उधर, अगर मैं CDNA एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली mRNA एक्सप्रेशन, मतलब
जो जीन एक्सप्रेशन के बारे में डिटेक्ट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ओल्ड टी सेल एंड न्यू टी सेल में क्या फ़र्क है, दोनों के एमआरएनए अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उनमें क्या फ़र्क है, कौन सा एमआरएनए ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कौन सा जीन ज़्यादा फायर कर रहा है, कौन सा जीन कम फायर कर रहा है एज इन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल तो माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो बाकी सारे इंडिविजुअल्स को BRCA1 एंड BRCA2 के लिए डिटेक्ट किया जाता है कि वो नॉर्मल है या अभी भी एबनॉर्मल फॉर्म में, तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल रहेगा तो फिर ओके नो प्रॉब्लम। ओके सिमिलर टेस्ट हम लोग रन करते हैं फॉर पेडियाट्रिक पीडियाट्रिक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, WBC का। ओके अल्जाइमर डिजीज हो सकता है या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। ओके अगर आप ब्रैका टेस्ट देखोगे तो उसमें क्या होता है, आप नॉर्मल जो एक तो पेशेंट हो गया, ठीक है, जो जिसमें हो सकता है कि आपका ब्रैका म्यूटेटेड फॉर्म में रहेगा, तो उसको आप क्या करोगे, Cy3 से लेबल करोगे ग्रीन से, ठीक है। दोनों भी डाई यूटिलाइज करना मतलब एक एक नॉर्मल को आप एक डाई से स्ट्रेन करोगे, नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसको मतलब जो मैं कंट्रोल ले लो ले रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरा कंट्रोल स्पेसिमेन है DNA का उसको मैं एक एक डाई से लेबल करूँगा, और दूसरे जो पेशेंट सैंपल है जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब म्यूटेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको मैं दूसरे डाई से लेबल करूँगा, ठीक है। तो इधर देखो इधर आता है आपको एग्जाम्स में, आगे जाके एग्जाम्स में आ सकता है Cy5 कौन सा कलर देता है, Cy3 कौन सा कलर देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो Cy3 इधर दे रखा है, ये ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, Cy5 रेड कलर दे रहा है, ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे आप देख लो, ठीक है। तो Cy3 विल गिव यू ग्रीन कलर, Cy5 विल गिव यू रेड कलर, ओके। एंड अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल रहेगा तो समझ जाओ फिर दोनों कलर का मिक्सचर रहेगा, रेड और ग्रीन का, ओके। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब मैं क्या करूँगा, पेशेंट से DNA सैंपल निकालूंगा और मेरे रेफरेंस स्टैंडर्ड रखूँगा, मतलब एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल विदाउट एनी BRCA जीन म्यूटेशन, ठीक है। उसमें फिर मैं उसको माइक्रो एरे से मैं रन करूँगा ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली मैं डाई कोड करके रखूँगा, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल को जैसे रेड दे दिया, ओके, एंड जो पेशेंट सैंपल है उसको ग्रीन दे दिया, ठीक है। और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे टेस्ट वैलिडेट करना है तो आई कैन रिवर्स द डाई एंड मैं चेक कर सकता हूँ कि वो सेम रिजल्ट आ रहा है कि अलग रिजल्ट आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन इवेंट होता है, ध्यान से सुनो, अगर म्यूटेशन इवेंट होता है, ओके एक मिनट, तो जैसे इधर तो ये आपने आपने देखा रहेगा स्लाइड देखा है, राइट, ओके, वैसे एक लाइट स्लाइड रहता है, ओके, एंड इधर आपको इधर स्पॉट्स मिल जाएगा, होपफुली आपने माइक्रो एरे स्लाइड देखा रहेगा, तो ये एक डॉट है, दो डॉट है, तीन डॉट है, चार पाँच छः, ऐसे ऐसे अराउंड 30,000 to 50,000 डॉट्स रहते हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से डैट दे आई कैन डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन अप टू 30 to 50,000 जीन्स, ठीक है, एट अ टाइम में 30,000 से 50,000, अभी तो एडवांस हो गया तो 80,000 जीन्स तक मैं एक बार में डिटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 30,000 से 50 या 80,000 जीन्स में अगर डिफेक्ट आता है उसको मैं एक टाइम में एट अ टाइम डिटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। तो इधर क्या करूँगा, ओके सो ये एक एक जो आपको ये दिख रहा है स्पॉट्स दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट प्रोब, ठीक
ठीक है, तो आप प्रोब इधर अटैच कर सकते हो, ठीक है, और आप चेक कर सकते हो ये एक पर्टिकुलर जीन के लिए एक प्रोब यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप एक एक स्पॉट में दो प्रोब्स यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, एक नॉर्मल के लिए एक एबनॉर्मल के लिए, ठीक है। तो सॉरी, इधर उसको मैं ब्लू से लेबल कर देता हूँ। ओके, एक ही स्पॉट में आए दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जो जीन जाके अटैच करेगा, ठीक है, तो वैसा फ्लोरेसेंस दिखाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल जीन गया तो जैसे इधर रेड कलर फ्लोरेसेंस दिखा सकता है, और अगर एबनॉर्मल जीन गया, ठीक है, एबनॉर्मल जीन गया तो इधर वो ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस दिखाएगा। ओके, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव के लिए हो गया। बट अगर इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस तो क्या होगा, ये इधर भी बाइंड करेगा, इधर भी बाइंड करेगा, ठीक है, और अगर म्यूटेशन इवेंट होता है तो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके लिए फिर दूसरे प्रोब में जाके वो बाइंड कर सकता है। ओके, तो इधर अगर दोनों कलर रहेगा, ग्रीन भी रहेगा रेड भी कलर रहेगा, तो इन दोनों का मिक्सचर कलर आएगा, विच इज़ आई थिंक येल्लो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, येलो, ये डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, दोनों का मिक्सचर ग्रीन और रेड का, एक बार चेक कर लेना येलो ही है कि नहीं। ओके, सो ये ऐसे आपको, हाँ येलो है, ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन स्पॉट में आपको येलो कलर, जिधर दोनों जाके प्रोब्स जाके बाइंड करेंगे, मतलब एज एन टारगेट डीएनए जाके बाइंड करेंगे। ओके, तो उधर येलो कलर मिलेगा, तो और उसका फिर एनालिसिस करके आप चेक कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इसके लिए हर एक, क्योंकि जैसे मैंने बताया 30,000, 50,000, 80,000 प्रोब्स, हर एक प्रोब आपको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेडीमेड है ऐसे बना के डाल दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रोब्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट एक बार रन हो गया तो बहुत सारा डेटा मिलता है, एक ही आपको माइक्रो एरे में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, उसमें आप दो तीन रिसर्च पेपर आराम से पब्लिश कर सकोगे इन हायर इम्पैक्ट जर्नल्स, ठीक है। तो अगर किसी को क्या बोलते हैं, अगर रिव्यू राइटिंग लिखना है तो उसमें माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी भी यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसा, ठीक है, समझा कि ऊपर से क्या बता दो मुझे। ये रीड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रीड नहीं करना, यू हैव टू रीड इट, एकदम डिटेल में जाके रीड करना पड़ेगा, समझा कि ऊपर से गया स्टूडेंट्स। ओके, सो होपफुली आपको एक वीडियो दिख रहा है, ये इसमें काफ़ी अच्छा, होपफुली अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये एनिमेशन है तो ध्यान से देख लो, ठीक है, और मुझे बताओ आवाज़ आ रहा है कि नहीं। Researchers first remove. आवाज़ आ रहा Yes. Yes, है? ओके, sir. ठीक है, तो डीएनए माइक्रो एरे के बारे में बता, ठीक है। तो दो अभी इधर जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड सेल अनइन्फेक्टेड सेल्स के बारे में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते, वैसे टी सेल, मेच्योर टी सेल, अनमेच्योर टी सेल्स, ठीक है, रेस्टिंग टी सेल, एक्टिव टी सेल, ओके, वैसे आप नॉर्मल सेल, कैंसर सेल के बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड। ओके, देख लेते हैं। Samples from both the uninfected plant and the plant infected with the virus. mRNA is extracted from each of the plant samples. The mRNA is then reverse transcribed into more stable complementary DNA called cDNA. The infected sample is fluorescently labeled. Okay, so इसमें ये जैसे मैंने बताया DNA microarray हो सकता है या cDNA microarray हो सकता है, ठीक है, तो इधर ये cDNA microarray, ठीक है,
red, while the uninfected sample is labeled green. The infected sample is fluorescently labeled called cDNA. The infected sample is fluorescently labeled red, while the uninfected sample is labeled green. At this point, in many microarray experiments, the two cDNA samples are combined. The combined sample of fluorescently labeled cDNA is applied to the microarray chip. The cDNA from the sample binds to its complementary sequence of DNA bases on the chip. We know that the pieces that are fluorescently labeled will stick tightly to the corresponding gene features, but they won't stick tightly anywhere else. So we rinse the chip off after we do the hybridization step, and then we put... Okay, so isme kya bol rahe? अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं है, म्यूटेशन की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो फिर वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है? अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन के लिए ही स्पेसिफिकली आपने प्रोब खड़ा किया, ठीक है, तो इट विल बाइंड टू दैट. सिंपल है. द चिप इन अ लेजर स्कैनर टू इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर द डेटा. द चिप इज स्कैन्ड विद अ लेजर एक्टिवेटिंग द फ्लोरेसेंट डाइज इन द सैंपल्ड सीडीएनए. A computer captures this information, calculates the ratio of red and green on each spot, which indicates which genes are expressed in the uninfected and infected plant samples. ठीक है? Researchers first remove... आप चेक कर सकते हो, ठीक है? Okay. So इसमें आप easily detect कर सकते हो दो different cells के बारे में, infected cells, uninfected cells के बारे में. Hopefully animation थोड़ा सा easy था, एकदम simplified format में था, तो समझा रहे. Yes. Okay. So